तो दोस्तों बोट एक बजट रेंज का स्मार्ट वॉच मार्केट में लॉन्च कर चुका है। प्राइस रखा है सिर्फ 1,300 रुपीज। अमेजोन पे अवेलेबल है बोट वेव कॉल 2 के नाम से और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है बोट स्टॉर्म कॉल 2 के नाम से। दोनों सेम वॉच है, अलग अलग नाम से अलग अलग वेबसाइट पे बेच रहे हैं, पता नहीं भाई क्या फंडा है, लेकिन वॉच दोनों सेम है। और अगर इसके फीचर देखें तो 1.83 इंच का लार्ज डिस्प्ले आपको यहां देखने को मिल रहा है और 5.2 का ब्लूटूथ भी है, इसलिए कनेक्टिविटी इशू नहीं है। बोट की वॉचेस में कनेक्टिविटी इशू होते हैं लेकिन इसमें नहीं है। और 700 एक्टिव मोड आपको यहां अवेलेबल मिल रहा है। भाई 700 एक्टिव मोड है, स्पोर्ट्स मोड नहीं है, जिसमें आपकी डेली रूटीन के एक्टिविटीज के इन्होंने ऐड कर रखा है। और मॉनिटर देखें तो HR मॉनिटर और SPU2 मॉनिटर को ही इन्होंने ऐड कर रखा है, सिर्फ दो ही मॉनिटर है। और साथ ही में यहाँ पर आपको दो रिंगटोन अवेलेबल मिल रहा है, तो ये फीचर्स बेस्ट लगा मुझे, क्योंकि काफी सारे ऐसे वॉचेस होते हैं जिसमें रिंगटोन ही नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 2 रिंगटोन मिल रहा है। और IP67 का वाटर रेटिंग है, तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट पसंद आए तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और यहीं पर ही इन्होंने अपने वॉच के ड्राइंग को प्रिंट कर रखा है। नीचे की तरफ वेव कॉल 2 को प्रिंट कर रखा है और वॉच के सराउंडिंग में सिर्फ अपने ब्रांडिंग को ही प्रिंट कर रखा है। नीचे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, एमआरपी प्राइस और इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको प्रिंट किया है। पीछे की तरफ आपने सारे ही की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है और थोड़े ही नीचे QR कोड है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा ही है अपना वॉच। तो दोस्तों यह है बोट के कुछ कूल स्टिकर्स यहां वहां चिपकाने के लिए और यह थैंक यू कार्ड, बोट आपको थैंक यू बोल रहा है क्योंकि आपने इनका वॉच खरीद लिया, वाह थैंक यू तो बोल रहे हैं। और यह है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर इन्होंने सिर्फ अपने फंक्शन को ही प्रिंट कर रखा है और कुछ खास इन्फो नहीं है। और यह है वारंटी कार्ड, इसके ऊपर आपको QR कोड देखने को मिल रहा है, जिसे स्कैन करके आप इनका वीडियो देख सकते हो जिसमें इन्होंने बताया कि आपको वारंटी कैसे क्लेम करना है। और पीछे कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और यह है बोट का बुकलेट, जो कि बोट अपने हर एक प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड करता है, ना जाने क्यों भाई तो पूरा फालतू है। और यह है इसका चार्जिंग केबल, लेंथ आप देख सकते हो छोटा सा है लेकिन भाई क्वालिटी में बेस्ट है क्योंकि बहुत ही ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और अभी क्लोज लुक वॉच की तरफ, सुबह वॉच का लुक काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको 2.5D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले का क्वालिटी काफी बढ़िया है, स्क्रीन बेस्ट है इसका और साथ ही में इसका स्क्रीन लाइट को बहुत ही ज्यादा कम रिफ्लेक्ट करता है, थोड़ा सा ब्लर टाइप का डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आउटसाइड यूज करने के लिए ये एक बेस्ट वॉच। और वॉच का लेंथ है 45mm, ब्रेथ है 38mm और थिकनेस है 11mm, जो कि नॉर्मली है सारे वॉचेस की तरह, इसलिए भाई थिन रिस्ट पे कमाल लगेगा ये वॉच देखने में, कॉलेज स्टूडेंट के हाथों में तो सुपर लगेगा। और वॉच के साइड में जो आप इसका बटन क्राउन देख रहे हो, इसका डिटेलिंग काफी अच्छा है और यहाँ पर आपको मेटल का बटन देखने को मिल रहा है और बटन के साइड में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और आप जो ब्लैक कलर का फ्रेम देख रहे हो, ये आपको पूरा प्लास्टिक का देखने को मिल रहा है, मेटल का फ्रेम का इस्तेमाल नहीं कर रखा क्योंकि भाई प्राइस भी तो देखो आप, प्राइस भी तो कम है तो मेटल कैसे लगाते, तो प्लास्टिक का फ्रेम है। लेकिन भाई डिटेलिंग एंड फिनिश काफी अच्छा है, प्रीमियम लग रहा है देखने में, कहीं से भी प्लास्टिक उखड़ा उखड़ा सा नहीं है। पीछे के साइड अपने सारे सेंसर को फिट कर रखा है, साथ ही में अपने ब्रांडिंग को भी प्रिंट कर रखा है और चार्जिंग पॉइंट भी यहीं पर ही है। और वॉच के दूसरे तरफ आप दो कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर। और स्ट्रैप देखे तो भाई स्ट्रैप काफी अच्छा है, यहाँ पर आपको 22mm का रिमूवेबल स्ट्रैप देखने को मिल रहा है और साथ ही में स्ट्रैप के ऊपर आपको बोट का लोगो देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ डू वॉट फ्लोट योर बोट अपने टैगलाइन को प्रिंट कर रखा है, जो कि काफी कूल लग रहा है सुनने में। और स्ट्रैप का कंफर्ट काफी अच्छा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सिलिकॉन स्ट्रैप का इस्तेमाल कर रखा है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है, कंफर्ट में बेस्ट है। और साथ ही में मेटल की बक्कल का इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन बक्कल के ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है। और वॉच को ऑन करने पर यहाँ पर आपको 1.83 इंच का 240x284 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाई डिस्प्ले का क्वालिटी आपको बजट रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस्ट है। और साइड का ब्लेजर भी आप देख रहे हो ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा स्लिम भी नहीं है, एकदम थिक भी नहीं है, एवरेज बोलूंगा मैं। काफी अच्छा डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एमोलेड नहीं है, हाई रेजोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन बजट रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी अच्छा है। कलर रिप्रोडक्शन काफी अच्छा है और इमेज का शार्पनेस भी आप देख सकते हो, ये भी आपको बेस्ट देखने को मिल रहा है कस्टम वॉच फेसेस अप्लाई करने के बाद। और अभी वॉच का UI देखे तो इसका बटन है बैक और मेन्यू का शॉर्टकट, लेकिन यहाँ पर आपको फंक्शनेबल रोटेटिंग क्राउन का फीचर्स अवेलेबल नहीं मिल रहा है। और स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग टच करने पर आप कुछ वॉच फेसेस देख रहे हो, इनमें से आप सिर्फ एक वॉच फेसेस अपने पसंद का सेट कर सकते हो, या फिर होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस। और क्लाउड वॉच फेसेस देखे तो आप देख सकते हो काफी बढ़िया क्वालिटी का क्लाउड वॉच फेसेस इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और इन्होंने ग्रुप बना रखा है ताकि भाई ढूंढने में आसानी हो कि आपको किस टाइप का वॉच फेसेस पसंद है। आप देख सकते हो भाई कस्टम वॉच फेसेस देखे तो आप इस वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज सेट कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। साथ में यहाँ पर आपको टाइम का भी फॉर्मेट देखने को मिल रहा है और आपको काफी सारे फॉन्ट देखने को मिल रहा है और आप चाहो तो टाइम को छोटा बड़ा कर सकते हो। इसके अलावा डेट, स्टेप, हार्ट रेट, डिस्टेंस, कैलोरी के अभी काफी फीचर्स आपको अवेलेबल मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको आइकन्स देखने को मिल रहा है, आप चाहो तो आइकन्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो आइकन्स, फॉन्ट को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो काफी सारे कस्टमाइजेशन आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल रहा है। और ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आप एक चेन का सिंबल देख रहे
रहे हो इसका ये मतलब है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है, यानी साथ ही में बैटरी डेट और वीक का इन्फो भी अवेलेबल। और यहीं पर पहला ऑप्शन है डीएनडी, इसे ऑन करोगे तो वॉच में कॉल मैसेज कुछ भी रिसीव नहीं होगा। फिर है अलार्म, तो आप इस वॉच में अलार्म सेट कर सकते हो। अलार्म सेट करने के लिए आपको मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट लगा। फिर है फाइंड माय फोन, ब्राइटनेस कंट्रोल, सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर है वॉच फेसेस जो कि मैंने आपको पहले दिखाया। फिर है स्क्रीन स्लीप, तो इसमें आपको मिनिमम 5 सेकंड्स और मैक्सिमम 20 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम अवेलेबल मिल रहा है। फिर है रिंगटोन, तो इसके अंदर आपको दो रिंगटोन अवेलेबल मिल रहा है। ड्रीम, यह है क्लेम, और आप चाहो तो दोनों ही रिंगटोन को ऑफ भी कर सकते हो, फुल साइलेंट का फीचर्स है इस वॉच। फिर है वेक गेस्चर, आप चाहो तो इसमें शेड्यूल लगा सकते हो, ये वही हैंड गेस्चर। फिर है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में भी आपको 3 एडजस्टमेंट अवेलेबल मिल रहा है। फिर है डू नॉट डिस्टर्ब सिस्टम, सिस्टम के अंदर है रीस्टार्ट, पावर ऑफ, फैक्ट्री रीसेट, डाउनलोड ऐप, यह है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का क्यूआर कोड, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो बस दोस्तों सेटिंग्स में इतना ही था, और होम में आने के बाद अगर आप राइट साइड सेट करोगे तो यहाँ पर है पूरे दिन भर का एक्टिविटी की पूरे दिन भर में आप कितना स्टेप चले हो, कितना कैलोरी बर्न किया है और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। फिर है SPU2, HR मॉनिटर, स्लीप, म्यूजिक, वॉच का म्यूजिक कंट्रोल एकदम परफेक्टली काम करता है। वॉच की हेल्प से आप म्यूजिक को प्ले, पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक और वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। फिर है नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है जो भी आपने भेजा होगा। और सेट करने पर भी आपको यही सारी चीजें फिर से रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको पहले बताया। और होम में आने के बाद अगर आप नीचे के साइड सेट करोगे तो यह है क्रिकेट नोटिफिकेशन, और बटन को प्रेस करने पर थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें से पहला है कॉल, एक्टिविटी, एक्टिविटी रिकॉर्ड, हार्ट रेट, SPU2, स्लीप, ब्रीथ एक्सरसाइज, नोटिफिकेशन, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, फ्लैश लाइट, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, फाइंड फोन, सेटिंग्स, वॉइस असिस्ट। आप वॉच में जो कुछ भी बोलोगे एक्शन फोन में होगा, और हाँ कॉलिंग फीचर्स को ऑन करोगे तभी वॉइस असिस्ट काम करेगा वरना काम नहीं करेगा। तो बस दोस्तों इतना ही था, छोटा सा UI है। कॉलिंग फीचर देखिए तो इसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको सिर्फ कॉल का ही फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है, बोले तो सिर्फ कॉलिंग के टाइम ही वॉच का स्पीकर एंड माइक काम करेगा। आप इस वॉच में गाना नहीं सुन सकते हो, और वॉच के हेल्प से आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो, और कॉलिंग के टाइम वॉच में वाइब्रेशन भी है और दो रिंगटोन भी है जो कि मैंने आपको पहले ही सुना दिया। और साथ ही में क्विक रिप्लाई का भी फीचर्स वॉच का परफेक्टली काम करता है, और आप चाहो तो क्विक रिप्लाई को एडिट भी कर सकते हो। आप देख सकते हो भाई प्रूफ आपके सामने है, परफेक्टली काम करता है क्विक रिप्लाई वॉच का। और कॉल पिक करने के बाद आप कॉल कट कर सकते हो, और अगर आप वॉच में बात करने में अनकंफर्टेबल हो तो आप कॉल को ट्रांसफर कर सकते हो अपने मोबाइल में, साथ ही में आप वॉल्यूम को भी अप डाउन कर सकते हो। कॉल म्यूट का फीचर्स आपको इस वॉच में अवेलेबल नहीं मिल रहा है। और ये बात सोशल मीडिया के कॉल को भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करता है, लेकिन भाई कॉलर का नंबर लिखा है, नाम नहीं लिखा है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक। और कॉलिंग फीचर देखे तो डायलर आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, और जब कभी भी आप टच करोगे तो वाइब्रेट नहीं करता है। फिर फोन बुक, तो आप देख सकते हो इस वॉच में आप टोटल 20 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो मोबाइल ऐप के हेल्प से, और नंबर भी शो करता है, नाम भी शो करता है, और आप इजीली यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर कॉल हिस्ट्री, तो यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल, डायल कॉल और मिस कॉल का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है, साथ ही में टाइम का भी इन्फो मिल जाएगा। तो भाई इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है इस वॉच में, और आप चाहो तो इजीली यहाँ से डायल कॉल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हाँ दोस्तों नोटिफिकेशन में इस वॉच में हल्का सा बग्स है, छोटा मैसेज ही रिसीव करता है, बड़ा मैसेज रिसीव नहीं करता। प्रूफ आपके सामने है, आप देख सकते हो हाय हेलो ऐसा छोटा मोटा मैसेज हर बार रिसीव करता है, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा लंबा मैसेज भेजता हूं तो रिसीव नहीं होता है, नोटिफिकेशन ही शो नहीं करता है। वॉच को पता लग जाता है बड़ा मैसेज है, शो नहीं करूंगा। बीटी कॉलिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं साथ ही में, तो जैसे कि आप देख सकते हो इस वॉच में आपको सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन तो रिसीव हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा अनदर सारे ऐप का नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है इस वॉच में। तो ये फीचर्स काफी बढ़िया लगा कि अनदर ऐप का नोटिफिकेशन भी रिसीव होता है, साथ ही में आप यहाँ से कॉन्टैक्ट्स को भी सिंक कर सकते हो, मैक्सिमम 20 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो इस वॉच में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ कॉलिंग पे, और अभी आप सुन सकते हो कि कॉलिंग के टाइम कैसा मैं एक्सपीरियंस आपको ये वॉच प्रोवाइड कर रहा है, और मेरे आगे अभी एक छोटा स्टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइज़ है, तो अभी आप सुनो कि इस नॉइज़ को ग्रैब कर रहा है या नहीं, और इसका माइक ना यहाँ पर है। सो आप मुंह के पास लेके ऐसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा, हाथों को दूर लेके जाने पर आवाज को ठीक से नहीं पकड़ पाता है क्योंकि माइक दूर हो जाता है। और अभी आप सुनो कि टेबल पे हाथ रख के अगर आप इस वॉच का इस्तेमाल करोगे तब सामने वाले को कैसा आवाज सुनाई देगा। तो बस दोस्तों इतना ही था, आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक एक्सपीरियंस। दोस्तों नहीं दे रहे नहीं।
सो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि वॉच का कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, इसका माइक आवाज को काफी ज्यादा क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब कर रहा है, साथ ही में इसके स्पीकर का लाउडनेस भी काफी अच्छा है, तो आप कॉलिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है और वॉच का फाइंड माय फोन का फीचर्स एकदम परफेक्टली काम करता है। अगर आपका फोन साइलेंट में भी होगा तब भी बचेगा, हर बार बचेगा, और फोन में वो रिंगटोन बचेगा जो कि आपने अपने अलार्म में लगा रखा होगा। और हाँ दोस्तों, फ्लैश लाइट भी ब्लिंक करता है जिस वजह से आप अंधेरे में भी फोन ढूंढ सकते हो। लेकिन हाँ, फाइंड माय फोन सिर्फ एक बार काम करता है, उसके बाद 30 मिनट के बाद दोबारा काम करेगा, ये भी थोड़ा सा बक्स है। तो एक ही मौका मिलेगा आपको फोन ढूंढने का। और वॉच का फाइंड माय वॉच का फीचर्स परफेक्टली काम करता है और वॉच वाइब्रेट करता है, कोई रिंगटोन नहीं है फाइंड माय वॉच में। और वॉच का राइज टू हैंड वेकअप हैंड गेस्चर एकदम परफेक्टली काम करता है, जब कभी भी आप हाथों को ऊपर उठाओगे तो डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता, और हाथों को नीचे करने से डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, स्क्रीन ऑन टाइम का वेट नहीं करता, तो ये फीचर्स काफी अच्छा लगा। साथ ही में रोटेटिंग हैंड गेस्चर भी कमाल है, आगे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, पीछे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है वॉच का। और इसमें आपको 550 नट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका ब्राइटनेस क्वालिटी ठीक ठीक है, एवरेज बोलूंगा मैं, एकदम बेस्ट नहीं है, बर्बाद सा भी नहीं है, ठीक ठीक है, जो भी है आपके सामने है। और इसमें आपको IP67 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है जो कि आपको 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। बोले तो आप स्विमिंग पूल, नदी, तालाब में भी वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 1 मीटर तक इससे गहरा नहीं जाना है, वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है। नॉर्मली आप नहाते वक्त हैंड वॉश में वॉच का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा वॉच को। और साथ ही में वॉच के ऊपर आपको ओलिफोबी कोटिंग भी अवेलेबल मिल रहा है, जिस वजह से गंदगी, धूल, मट्टी इजीली डिस्प्ले के ऊपर चिपकेगा नहीं। मोबाइल ऐप देखे तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। माय वॉच में जाके आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं, और वॉच में चार्ज कितना है। वॉच सेटिंग के वॉच फीचर्स के अंदर आप देख सकते हो ऑटो मॉनिटर हार्ट रेट आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको इसे गलती से भी ऑन नहीं रखना है क्योंकि भाई ये बैटरी बहुत ज्यादा चूसता है। इसके अलावा आप किसी भी फीचर्स को ऑन करो ऑफ करो फर्क नहीं पड़ता। और हेल्थ रिमाइंडर देखे तो इस वॉच में आपको सिर्फ सैलिनिटी अलर्ट रिमाइंडर ही अवेलेबल मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर रिमाइंडर फिलहाल इस वॉच में नहीं है। सभी बात करें क्या ये आपको लेना चाहिए या नहीं, 1500 प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आपको लेना चाहिए। थिन लिस्ट के लिए एक बेस्ट वॉच है, कॉलेज स्टूडेंट के हाथों पे तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगेगा। लेकिन हाँ, 1600 के ऊपर आपको खर्चा नहीं करना है क्योंकि इस वॉच में काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग है, जैसे इसमें आपको कैलकुलेटर, गेम्स, मिनी स्टाइल अवेलेबल नहीं मिल रहा है, और साथ ही में आप इसके कॉलिंग फीचर्स को भी ऑफ नहीं कर सकते हो। और हाँ, एक और बक्स है कि जब भी कॉल रिसीव होता है तो वॉच का डिस्प्ले ऑफ नहीं होता, जब तक कॉल खत्म नहीं होता वॉच का डिस्प्ले ऑन ही रहता है, जिस वजह से भाई पूरा बैटरी चूस लेता है, 5 घंटे में पूरा बैटरी चूस लेगा अगर आप कंटिन्यूस कॉलिंग पे इस वॉच का इस्तेमाल करोगे। और अभी अच्छा मॉनिटर का एक्यूरेसी देख लेते हैं, इस पे मैं फाइटर्स कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑक्सीमीटर और वॉच दोनों का एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, मैं इस पे फाइटर्स कर रहा हूं और रिजल्ट आपके सामने है। और दोस्तों SPU2 का एक्यूरेसी क्या बताऊं, इस पे भी मैं फाइट टेस्ट कर रहा हूं, रिजल्ट आपके सामने, आप खुद देखो डिसाइड करो आपको कैसा लगा SPU2 का एक्यूरेसी। तो चलिए अभी स्टेप काउंट भी कर लेते हैं, 1202 स्टेप्स, 1227 स्टेप्स, वंस मोर, 1247 स्टेप्स, ठीक ठीक ही है। और इसके स्पोर्ट्स मोड में आपको स्टेप काउंट नहीं मिल रहा है। और दोस्तों अगर इस वॉच का लोकेशन ऑन करके आप डिस्टेंस ट्रैक करोगे तो 90% एक्यूरेसी आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा, और सिर्फ भागते चलते वक्त ही ट्रैक करता है, बाइक राइडिंग के टाइम ट्रैक नहीं करता है। और स्लीप एक्यूरेसी भी इस वॉच का सबकी तरह ही है, 5 घंटे के ऊपर के स्लीप को कैलकुलेट करता है, बोले तो डीप स्लीप को ही कैलकुलेट करता है, लाइट स्लीप को कैलकुलेट नहीं करता। और कैलोरी बर्न भी वॉच का ठीक ठीक है, आप इस पे 80% ट्रस्ट कर सकते हो। और दोस्तों बैटरी बैकअप देखे तो ये वॉच आपको सिर्फ और दोस्तों बैटरी बैकअप देखे तो इस वॉच में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक बक्स है, बक्स बोलूंगा, प्रॉब्लम बोलूंगा, फीचर्स बोलूंगा, क्या है पता नहीं, लेकिन कॉलिंग के टाइम वॉच का डिस्प्ले ऑफ नहीं होता है, 1 घंटे तक बात करोगे तो वॉच का डिस्प्ले 1 घंटे तक ऑन ही रहता है। अगर आप कॉलिंग के लिए फोन का इस्तेमाल करो या फिर वायरलेस ईयरबड का इस्तेमाल करो और अगर वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट रहा तब भी इसका डिस्प्ले ऑन ही रहता है जब तक आपका कॉल खत्म नहीं होता, जिस वजह से भाई इसका बैटरी अप्रोक्स 6-7 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है 100% ब्राइटनेस में, और एकदम लो ब्राइटनेस में अप्रोक्स 10 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको ये वॉच प्रोवाइड करेगा, तो भाई इसका बैटरी बैकअप कुछ खास नहीं है। और ब्लूटूथ सेटिंग से अगर आप कॉलिंग फीचर्स को भी ऑफ कर देते हो तो सिर्फ नोटिफिकेशन के साथ ये वॉच आपका 3 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वॉट चार्जर से। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में।